नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में असामान्य रूप से काफी अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाता है, जो सेहत पर बुरा असर डालता है। मोटापा आमतौर पर बर्न की हुई कैलोरी और सेवन की हुई कैलोरी के बिगड़े हुए बैलेंस का परिणाम है। फिजिकल एक्टिविटी ना करने पर हाई कैलोरी वाले फूड का सेवन करना मोटापे का मुख्य कारण होता है। हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें सामने आया है कि मोटापे से किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसमें किडनी फेल होना भी शामिल है। कहा जा रहा है कि यह जल्द ही विश्व की समस्या बन सकती है। मोटापे से लगातार हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोटापा और किडनी की बीमारी दुनिया भर में सबसे आम डिसऑर्डर है। हमारी रिसर्च बताती है कि किडनी की सेहत में होने वाली गिरावट को रोकना और किडनी की बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए वजन कम करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि वजन कम करने के तरीके की अगर बात करें, वजन कम करने के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना काफी जरूरी है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 5 से 6 हजार कदम जरूर चलें। वहीं एक्सरसाइज करने के लिए जिम जा सकते हैं या फिर घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वजन कम करने के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। साथ ही जंक फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन बंद करें। डाइट में हरी सब्जियां, अनाज, ड्राई फ्रूट, फल आदि शामिल करें। इसके अलावा पर्याप्त नींद जरूर लें और खुश रहें। तनाव बिल्कुल ना लें। तनाव लेने से शरीर में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे भूख बढ़ती है और आप अधिक खाते हैं, जिससे वजन बढ़ने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से बिल्कुल बचें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।